नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। वार्ता के सरकार में प्रचार ने किने संघ गठबंधन के कहा। धनुषा के महेंद्रगढ़ में आईएमई हेल्थ जोड़ी नाटक रहा। भय प्रहरी संचालक के पकड़ाव पर सार्वजनिक अपराध दर्ज अलग। धनुषा में चल रहा 9000 दिन कार्यक्रम के 5 करोड़ रुपया फीस हो के अवस्था में। आप समाचार विस्तार से। श्रमिक लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा सहित के संघ गठबंधन वार्ता के लिए सरकार अपना के पत्राचार ने किने बतौलक। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली रेप दिन सार्वजनिक किने कार्यक्रम में गठबंधन के नेता सबके वार्ता के लिए आह्वान कैल गल। पत्र में हस्ताक्षर किने उल्लेख किने में गठबंधन के संयोजक उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री हस्ताक्षर किने पत्र अपना सब नहीं पौने बतौलन। ओ गठबंधन रिले अनशन करल काठमांडू के खुला मंच में हमर सबक संवाददाता संगे बातचीत कर गठबंधन के नाम में प्रधानमंत्री लिखने पत्र गठबंधन नहीं पौने आ पत्र फैलाक बाद मात्र वार्ता के विषय में थ प्रतिक्रिया देवक बतौने। चिट्ठी आक अरु बाकी भन्न पड़े संघीय गठबंधन प्रदेश के सीमांकन हेरफेर के मांग सहित खुला मंच में 7 दिन से रिले अनशन कर रहा है। धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में रहल आईएमईआई में चोरी भेल नाटक कैल गेल कहते पुलिस संचालक के पकड़ाव कर सार्वजनिक अपराध के मुद्दा चल लगे। इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर आगू राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के भवन नीचा आईएमईआई संचालन करैत आयल मां आशीष ट्रेडर्स में रुपया 32 लाख चोरी भेल दावी सहित 35 वर्षीय संचालक राजेश कुमार शाह पुलिस के चोर खोजी का रकम दिया देव मांग कने छल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल पुलिसक विशेष टोली घटनास्थल के अनुसंधान पश्चात स्वयं संचालक के चोरी में शंकास्पद देखल गेलाक बाद आईएमईआई के संचालक शाह के पकड़ाव का अनुसंधान आगू बढ़ौने छल। पूछताछ के क्रम में पकड़ाव पड़ल शाह आईएमई में कोनो चोरी नहीं भेल स्वीकार केने अछि। संचालक शाह आईएमई में चोरी के हल्ला केवल ओ फैलौने एकटा भ्रमक नाटक भेल जनौने छथि। अपना ऊपर साथी सबके 30 लाख ऋण भेल आ ओ ऋण अपने तीर नहीं सकला से नाटक करा बाधी भेल बतौने छथि। हुनक भाय घटना भेलाक लगले घटना के जानकारी लेब एक बाद पुलिस लॉकर में भेल सब पैसा चोरी भेल आ आईएमई में भेल सीसी कैमरा सेहो 2 दिन आगे बिगड़ल जनौने छल। एहन झूठा आ गलत सूचना तथा प्रभाव फैला कर पुलिस के ठकने आरोप में संचालक ऊपर किछु सार्वजनिक अपराध अंतर्गत मुद्दा दायर कर थप अनुसंधान आगू बढ़ाओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल तरुण दल 4 महीना पहिने अज्ञात समूह के गोली प्रहार से मृत्युवरण केने अपन कार्यकर्ता के शहीद घोषणा करबाक मांग केलक अछि। तरुण दल सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का कपिल वस्तु जिला के क्षेत्र नंबर 1 के बाण गंगा इकाई समिति के अध्यक्ष राजेश सेन के शहीद घोषणा करवाक मांग के नहीं छा। सेन के बीतल माह घटा सकते जिला के जीतपुर चौक में अज्ञात समूह गोली प्रहार कर हत्या केने छल। तरुण दल के अध्यक्ष उदय शमशेर राणा सेन के शहीद घोषणा नहीं कैल गल तो हत्या में संलग्न के पकड़ाव का कार्रवाई नहीं करत है आंदोलन में उतरबाक चेतावनी सेहो देने छथि। जनकपुर स्थित गंगा सागर पोखर में महागंगा आरती के 2वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर कवि गोष्ठी के आयोजन कैल गेल। गंगा सागर के डील में आयोजित कवि गोष्ठी में 2 दर्जन से बेसी गोटे कवि अपन अपन कविता भाषण केने छलथि। ओ सब विकास निर्माण सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण गंगा आरती के महीना लगायत में केन्द्रित रह कर कविता के रचना केने छल। गंगा आरती के 2वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर जनकपुर में 3 दिनक विशेष कार्यक्रम के आयोजन सेहो कैल गेल। समय में कार्यक्रम करण नहीं भेलाक बाद जीव विश्व धनुषा 9000 दिन शीर्षक के 5 करोड़ रकम फ्रीज होब के शंका अछि। जीव विश्व धनुषा जनकपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन कर मधेश आंदोलन के कारण देखबैत कार्यक्रम कर नहीं सकल 4.94 करोड़ फ्रीज होबाक अवस्था में रहल जीव विश्व धनुषा जनौलक। गर्भवती महिला 2 वर्ष धरि के बाल बालिका आ माय के निक सहार के लेल विश्व बैंक जीव विश्व धनुषा के चालू आर्थिक वर्ष में खर्च कर जका 10 करोड़ रकम उपलब्ध करौने छल। बाल बालिका आ गर्भवती एवं सुतकेरी महिला के पोषण
रेखदेख सरसफाई सुरक्षित पिबा वाला पानी लगायत के शीर्षक में खर्च कर वाला रकम खर्च होबा नहीं से फ्रीज होबा के अवस्था में पहुंचल इहा क्रम में जीवी संस्था के निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर शाह पौने 3 अरब बजट रहल सुनौल हजार दिन कार्यक्रम नेपाल के 15 जिला में संचालन भेल जनवैध धनुषा के विभिन्न 26 गावि समय कार्यक्रम जारी रखने जानकारी कराने छल मा लास्ट इयर जति बजेट चाहिँ उपलब्ध गराएको थियो नेपाल सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसमा करिब 2.5 करोड चाहिँ फ्रिज भयो त्यो र यसबारेमा मन्त्रालयमा चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी पनि चलेको थियो किन फ्रिज गरायो धनुषा जिल्लाले यो धेरै थुप्रै कारणहरू छ स्थानीय विकास अधिकारीहरूको स्टेबिलिटी मतलब कन्टिन्यू नहुनु अभिमुखीकरण कार्यक्रम में पोषण विज्ञ धनंजय पौडेल कार्यक्रम पर प्रकाश पारने तमलोपा धनुषा का अध्यक्ष परमेश्वर शाह सुनौलो हजार दिन लागू फिर 15 जिला में से तराई मधेस के 8 जिला परब सुखद रहल जनवैत कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए अपने सब शक भर सहयोग करवाक प्रतिबद्धता जनौने कार्यक्रम सन 2012 से 2017 धरि पंचवर्षीय योजना अंतर्गत राखल गेल धनुषा क्षेत्र नंबर 5 के सांसद एवं नेपाली कांग्रेसक नेता डॉक्टर चंद्रमोहन यादव क्षेत्रीय अधिवेशनक लेल पार्टी नियुक्त केने निर्वाचन अधिकृत के स्वीकार नहि करब बतौलने छ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 के अधिवेशनक लेल नेपाली कांग्रेस तेसर बेर निर्वाचन अधिकृत के जिला पठौने छ सांसद यादव तेसर बेर निर्वाचन अधिकृत के स्वीकार नहि करब अडान दोहरौलनि एहिसँ पहिने परशुराम कोइराला आ सागर बिष्ट दुनू गोटे अधिवेशन कराबे के प्रयास करितो संस्था पर पक्ष निर्वाचन अधिकृत पूर्वाग्रही रहल कहित अधिवेशन नै कराबे के अडान रखने छल नेपाली कांग्रेस फेर से सागर बिष्ट के निर्वाचन अधिकृत के रूप में जिला पठौने अछि मात्र हैन केन्द्रीय जो एउटा निर्वाचन समिति छ गोपाल कृष्ण घिमिरेजी हुनुहुन्छ त्यसमा अहिले राधेश्याम अधिकारीजीले राजीनामा गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि मैले जानकारी दिइसकेको हो कि जो सागर बिष्ट अस्ति आउनुभएको थियो यो हाम्रो धनुषा जिल्लाको अधिवेशन गराउनलाई या यसरी भनौँ क्षेत्र नम्बर 5 को पनि अधिवेशन त्यसमा क्षेत्र नम्बर 5 को अधिवेशन बिथोल्नमा जो एउटा षड्यन्त्र गरियो त्यस षड्यन्त्रका मलाई लाग्छ जो अहिलेका जो सागर बिष्ट फेरि आउनुभएको छ हाम्रो धनुषा जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गराउनलाई नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसँग पहिले 204 निर्वाचन क्षेत्र सह प्रतिनिधि चयन हो त विवादका कारण धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 के अधिवेशन एखन धरि होब नै सकल अछि काठमाडौँ सहित देशभर में केश काटे वाला हजाम सब राष्ट्रीय सम्मेलन होब लगल मंगल दिन नेपाल राष्ट्रीय न्याय संघ तेसर राष्ट्रीय सम्मेलन काठमाडौँ के न्यापानेश्वर स्थित हीरा पार्टी पैलेस में भरल न्याय संघ के अध्यक्ष पल्टन ठाकुर जारी कने विज्ञप्ति में सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो के प्रमुख आतिथ्य में सम्मेलन के उद्घाटन होबाक जनाओल गेल ठाकुर के अनुसार सम्मेलन में हजारों की संख्या में हजाम सभक उपस्थिति रहत अब स्पोर्ट्स न्यूज यूरो कप 2016 अंतर्गत बीतल रात संपन्न खेल समय इटाली आ स्पेन जीत हासिल करते स्वीडन बराबरी में रोकायल पहल खेल में डिफेंडिंग चैंपियन में स्पेन चेक गणतंत्र विरुद्ध संघर्षपूर्ण जीत निकालने पहल हाफ बराबरी में संपन्न भेल उक्त खेल में स्पेन के जेरार्ड पीके 87 मिनट में गोल करते टोली के 1-0 के अग्रता दियोने के बाद खेल में कोनो गोल नहीं भेल आ स्पेन 1-0 से विजयी भेल अधिकांश समय बॉल अपन नियंत्रण में रखने स्पेन के बहुत गोल के प्रयास सब चेक गोलकीपर पीटर चेक रोकने चल तहिना पेरिस के स्टारे दी फ्रांस में संपन्न दोसर खेल में स्वीडन आयरलैंड संगे 1-1 गोल के बराबरी में रोकायल मजबूत मानलगत स्वीडन विरुद्ध आयरलैंड शुरुआते से स्वीडन के दबाव देने आयल पहल हाफ गोल रहित बराबरी में संपन्न भेल खेल के 48वें मिनट में आयरलैंड के वेस होल हन हाफ बॉल में उत्कृष्ट गोल करते टोली के अग्रता दियाब में सफल भेल मुदा खेल के 71वें मिनट में आयरलैंड के कैरन क्लार्क आत्मघाती गोल करते
ऐतिहासिक जीत दिस अग्रसर आयरलैंड खेल एक एक के बराबरी में जीत बुझाव पड़ल। तहिना ग्रुप ऑफ डेथ मंगल समूह ई के पहल खेल में बीतल संस्करण के उपविजेता इटाली बेल्जियम के पराजित कलक। स्टेडे लियोन में सम्पन्न खेल में 32 मिनट में लियोनार्डो ब्रूनो स्टिक देने पास में जी एच यू यारानो गोल करत स्पेन के पहल हाफ में 1-0 के अग्रता दियोने छल। व्यस्त अपन जखन के लिए एतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।